हिंदुस्तान नाम सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और ट्रेलर भी मैंने देखा वो भी मुझे काफ़ी अच्छा फनी लगा। सो ये क्रिएशन का ओके, सो बेसिकली ये जो था, जो हमारा पहला लॉकडाउन पैंडमिक चल रहा था, तो तभी हम बहुत केसेस सुन रहे थे लोगों के डिप्रेशन के, यू नो। सो एंड यूजली क्या हो रहता है कि डिप्रेशन में ऐसे भी कुछ केसेस आ रहे थे कि लोग कुछ ऐसा कदम उठा रहे थे जो सही नहीं था। तो मुझे एक मैसेज कहना था लोगों की, यू नो, कि एक पॉजिटिविटी का एक पॉजिटिव मैसेज ऑडियंस को भेजना था। तो जैसे डिप्रेशन की वजह से एक सांझ जैसा कैरेक्टर बना, तो पॉजिटिविटी की वजह से एक सूरज जैसा कैरेक्टर बना, यू नो। सो इट्स बेसिक लाइक सांझ जो डिप्रेस है, सूरज जैसा कैरेक्टर उसकी लाइफ में आता है, उसे इतना तंग करता है, लेकिन उस इरिटेशन में उसको उस डिप्रेशन से निकालता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल लाता है। सो इनकी कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था इनको कास्ट करने को स्टार्ट में। इट्स जस्ट यार हम प्रोजेक्ट का जो स्केल था हम थोड़ा छोटा सोच रहे थे साथ स्टार्ट में विथ न्यू कमर्स। कुछ ना कुछ करके अंजलि जी पहले आ गई इन द पिक्चर। तो ये था कि किसके डेट्स वर्कआउट नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक बार एक तुक्का लगा दिया इनको, बस कॉल कहाँ से नंबर लेके कॉल किया और इनको स्क्रिप्ट भेज दी। इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, फिर हमारे काफ़ी इंटरेक्शन और मीटिंग्स हुए और मैं बोला यार इनको पसंद है स्क्रिप्ट, तो मैं सोचूँ भी क्यों, मतलब आई वर्क विथ हिम। एंड जस्ट इट्स लाइक एक सीनियोरिटी का भी था, बिकॉज फिल्म स्कूल में ये मेरे सीनियर थे, मुझे इनका काम अच्छा लगता था। बट ऐसा कुछ मैंने नहीं था कि सूरज यही थे, बट जब पहले दिन शूटिंग ख़त्म हुई, मैंने बोला सूरज, इनके अलावा सूरज कोई और प्ले नहीं कर सकता, लाइक सूरज वॉज मेड फॉर हिम कम्प्लीटली। इनके साथ डायरेक्शन में वी इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड पहले ही दिन से, बिकॉज ये जैसी कहानी इन्होंने लिखी हुई थी ये वैसे खुद भी है, वैसा एनवायरनमेंट सेट पे रखा हुआ, वेरी हैप्पी एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड। कोरोना का टाइम चल रहा था तो सेफ्टी वाइज भी घर पूरा रेडी था, सैनिटाइज था एंड सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया था। एंड एट द सेम टाइम स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ, स्क्रिप्ट ऑलरेडी जो मुझे 5 एपिसोड भेजे ऑलरेडी इट वॉज वेरी टाइट, मुझे नहीं लगा कि इसको कहीं पर कुछ ऐड ऑन करना था या कुछ, मुझे कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की जूम पे। एंड जब हम फ्लोर पे गए तो स्क्रिप्ट और एनहेंस ही होती चली गई। तो आई थिंक द एंटायर टीम, डेविन एंड संजना एंड अंजलि और एंटायर डायरेक्शन टीम, वी वर ऑन द सेम पेज। तो बहुत मज़ा आया बिकॉज मल्टीपल लेयर्स थे इस कैरेक्टर के, और तो एक एक दिन हमने इतना एंजॉय करके काम किया पता नहीं चला। मैंने पहले सो अनोइंगली और नोइंगली, मतलब से 6 साल से मैं सिर्फ जो जॉनर मैं बना रहा हूँ इन शॉर्ट फिल्म्स, इन वेब सीरीज़ एंड इन इवन जो एडवर्टाइजमेंट्स मैं डायरेक्ट करता हूँ, वो कहीं ना कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी के स्पेस में ही है। नाउ द थिंग इज, जो कॉमेडी में मैंने सबसे पहले चीज़ सीखी है कि जो डायरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कास्टिंग, बिकॉज जो एक्टर वो लाइन पुल ऑफ करने वाला होता है उसको एक्चुअली सीरियसली उस चीज़ में बिलीव करना होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आते हैं द वे ही परफॉर्म्स द सीन, वो होता है अच्छा। और एक और चीज़ होती है, फिल्म में हम बहुत कट्स देखते हैं कि सडनली हीरो का क्लोजअप, हीरोइन का क्लोजअप, फिर एक मास्टर शॉट, यू नो। कॉमेडी में होता है कि आप कैमरा एक ही एंगल पे होल्ड करो, डायलॉग आएगा वहाँ, रिएक्शन आएगा वहाँ, अगर कॉमेडी आई तो ही कॉमेडी आएगी, वरना मतलब अपने कट्स डाले कुछ भी क्या, इट हैज़ टू अपने कैमरा छोड़ दिया और एक्टर्स जो पुल ऑफ कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री अपने डायलॉग डिलीवरी में, वहीं कॉमेडी आनी चाहिए। सी डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। अब अगर मैं शेरशाह की बात करूँ तो पहली चीज़ थी मेंटल फिटनेस, सोल्जर किस तरह से सोचते हैं एंड ऑल्सो उनकी ट्रेनिंग। तो 15 दिन की हमने ट्रेनिंग की थी, दैट इज़ द फिजिकल पार्ट। देन साइकोलॉजिकल पार्ट होता है कि अपने देश के लिए, वो मुझे नहीं लगता कि हम आम जनता सोच भी सकते हैं कि किस मेंटल स्पेस में एक सोल्जर होता होगा एट द एज ऑफ 22-23, जहाँ पर हम लोगों की तो हमारे ड्रीम्स ही बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो वहाँ पर 22-23 साल का एक नौजवान देश के लिए अगर ऐसी बातें करता है तो उसका मेंटल स्पेस कैसा होता है। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली किसी किरदार को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले वो एक सोल्जर हो, चाहे वो ऐसा किरदार हो जो बिल्कुल ही फनी सा हो और जो लाइफ को सीरियसली लेता नहीं है।
तो दोनों की साइकी को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड मुझे लगता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस काम है बिकॉज स्क्रिप्ट फनी होती है, स्क्रिप्ट में फ़नी एलिमेंट्स होते हैं और किरदार को अपना जो काम, हमें तो हम अपने आप को सीरियस ही समझते हैं बट वो ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ें फ़नी होती है. हम हमारे दोस्तों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए हो सकते हैं कि कोई चीज़ उनको हमारी फ़नी लगती हो बट हमको नहीं लगती. तो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी एलिमेंट्स फ़नी थे, बस इतना करना था कि उसको सीरियसली लेना था एज अ किरदार, बाकी ऑडियंस के ऊपर है वो उसको किस तरह से लेती है. एंड ऑल्सो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं फिल्म मेकिंग के जो एक सीन को फ़नी बनाते हैं, लाइक साउंड बहुत हेल्प करता है, एडिटिंग सही समय पर कट करना. हम बोलते हैं एक्टर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है बट उसके पीछे एडिटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि किस तरीके से करेक्ट टाइम पर वो कट करता है. तो ये ऑडियंस को नहीं समझ में आता. तो बहुत सारे कॉमेडी फिल्मों के एलिमेंट्स होते हैं, कॉमेडी में एलिमेंट्स होते हैं. सो बेसिकली जो ये हमारी स्क्रिप्टिंग को 3 महीना लगा था इस कहानी को, हमारा शूट जो है वो 14 दिन में हो गया. एंड से विद इन 3 to 4 months में हमारा साउंड डबिंग DI एडिट पूरा होके प्रोडक्ट अपना मार्च के 2021 के महीने में, मतलब साल में तैयार था. हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारी रिलीज़ है, उसमें बेसिकली लाइक फाइंडिंग द राइट डेट टू रिलीज़, यू नो, उसमें हमारा टाइम लग गया था. एंड द राइट प्लेटफॉर्म जो इस ऑडियंस को जस्टिफाई करे. तो ये शो आप देख सकते हो पॉकेट फिल्म्स करके एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है जिसका खुद का एक ऐप भी है. तो पॉकेट फिल्म्स के फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे 22nd जो कल की डेट है 22nd अक्टूबर की, इसीलिए वहाँ पूरी फैमिली के साथ देखते हो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में. आपको बस उस चैनल पे सब्सक्राइब करना है एंड यू कैन वॉच द शो फॉर कम्प्लीटली फॉर फ्री. सो यस, सो इसमें शो में जो इनके ऑपोजिट सूरज इनका कैरेक्टर है, इनके ऑपोजिट अंजलि आनंद है सांझ, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स दैट इज इन द शो. अंजलि आनंद आज हमारे साथ मतलब नहीं है, शी इज़ आउट ऑफ टाउन बट शी इज़ अ वेरी फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस जिन्होंने TV पे काफ़ी बड़े बड़े शोज़ किए, कुल्फी कुमार बाजेवाला, 2.5 किलो प्रेम एंड अभी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बेल बॉटम में पिक्चर में भी वो आई थी. हमारे जो दूसरी एक्ट्रेस है गरिमा याग्निक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सांझ की छोटी बहन, यू नो, जो मिनल का कैरेक्टर है, शी या सो शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. एक स्पेशल अपेयरेंस है TV एक्टर का अविनाश सचदेव, जो स्पेशल अपेयरेंस है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में. So he also like very willingly agreed to do the role and he's also like been part of us in all the promotional activities that we are doing and as a team sare actors product ko lekar kafi khush hain. Any quality you want to talk about, sir, quality jo aapko pasand hai, jo quality pasand hai aur jo nahi hai, ye sawal bahut poochte hain. Jo pasand bhi hai mujhe, jo nahi bhi hai, ya pasand iske liye ki wo kaam mein dikkat aata hai because wo quality matlab inse mujhe bahut seekhne ko milta hai, jo quality ye performance mein la pate hain, jo cheeze comedy कि मुझे एक समझ थी उसको एक लेवल और आगे लेके जाना मुझे इनसे समझ में आया था. लाइक यू नो बिकॉज देर वॉज अ सर्टन अप्रोच दैट ही हैड आफ्टर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन, यू नो, कि उसका मतलब ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, क्यों, और आई एम वेरी प्रिपेयर टू गिव आंसर्स. इनके क्वेश्चन और ज़्यादा होते हैं बट वो अपने परफॉर्मेंस में लाते हैं, यू नो, एंड वो क्वालिटी दिख के आ जाती है कि पूरी बिलीवेबिलिटी के साथ वो सीन करते हैं. जो इनकी क्वालिटी नहीं पसंद है वो है सवाल बहुत. तो मॉडल एंड मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, काफ़ी सारे डिज़ाइनर के साथ इन्होंने काम किया हुआ है एंड रिसेंटली अभी कुछ मैंने देखा कुछ एक डिज़ाइनर के साथ. इज अ मॉडल. नहीं, मैं कैमरा के सामने बिल्कुल मतलब एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ. दो मैंने एक्टिंग के वर्कशॉप्स बहुत किए हुए हैं बट आई एम नॉट वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. वो एक आधा कोई दोस्त के लिए, यू नो, फ्री में ऐसे मॉडलिंग की है बट आई एम नॉट अ मॉडल. आई एम बट क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे जैसे हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो मॉडलिंग भी करते हैं साथ साथ में, यू नो, एंडोर्स भी करते हैं प्रोडक्ट्स. तो ही इज़ वन ऑफ दोज कि सिर्फ कैमरे के पीछे नहीं, कैमरा के सामने भी आते रहेंगे. आई लाइक हिज एटीट्यूड, वो जिस कामनेस के साथ काम करता है, हसमुख एक चेहरा है. एंड अगर उसे देविन को बोलना भी होता सर एक और टेक चाहिए तो बड़े प्यार से बोलता है कि एक्टर मना नहीं कर सकता कि सर ये अच्छा था मगर एक और करते. सो वो मुझे क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है कि आप किस तरीके से अगर एक्टर नाराज़ भी हो गया किसी चीज़ को लेकर तो बड़ा प्यारा सा फेस बना के, यू नो, ये काम करवा लेता है विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी.
विच इज़ नेचुरल. आई एम नॉट सेइंग कि वो फोर्स्ड है, बट ये बहुत हाँ नेचुरली ही इज़ वेरी हैप्पी पर्सन एंड ही मेक्स श्योर कि एवरीवन इज हैप्पी ऑन सेट. यू वर पार्ट ऑफ सूर्यवंशी आल्सो. यस. या वेरी एक्साइटेड. रोहित सर के साथ काम करके तो बहुत मज़ा आता है. इनफैक्ट उनके साथ उनके साथ ये 4 फिल्में की हैं. सर्कस में भी मैं हूँ एंड सर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मुझे लगता है कि रोहित सर इज़ एपिटोम ऑफ द एंटरटेनमेंट फिल्म्स एंड उनके जैसी जो शॉर्ट टेकिंग की जो समझ है, जो कॉमेडी की समझ है, जो एक्शन की समझ है, मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में और कोई है. तो उनके साथ जो 4-5 फिल्मों में सीखा है वही मैं बाहर भी एंटरटेनिंग जो फिल्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं उसमें अप्लाई करता हूँ. जो सवाल जो बहुत सारे आते थे वो कहीं ना कहीं उनसे भी सीखे हैं बहुत कुछ. आखिर में आप दोस्तों जानना चाहूँगा कुछ खास चीज़ आप बताना चाहते जो हमने शायद नहीं पूछा है. नंबर वन चीज़ है जो आई थिंक हमारा मिस आउट हो रहा है इस शो में, एक और चीज़ स्पेशल है. रज़ा मुराद सर कम्प्लीट्स 50 ईयर्स इन द इंडस्ट्री एंड जैसे ही जनवरी के मंथ मतलब ही एंटर्ड द 50th ईयर ऑफ लाइक एज ही कम्प्लीटेड 50 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, उन्होंने सबसे पहले चीज़ जो साल की शुरुआत की थी वो थी सूरज ओसांझ का वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने को. स्टार्ट शो के स्टार्ट में जैसे ही पहला एपिसोड चालू होता है रज़ा सर का एक लंबा सा एक न्यूज़ चैनल का वॉइस ओवर आता है. जैसे संजय लीला भंसाली की फिल्म, संजय लीला भंसाली सर की फिल्म्स में पद्मावत, बाजीराव मस्तानी में इवन रामलीला, जैसे उनका वॉइस ओवर आता है वैसे इस शो की भी शुरुआत रज़ा मुराद सर के वॉइस ओवर से होती है. एंड कोइंसिडेंटली ही हैज कंप्लीटेड 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री आल्सो. मैं यही कहूँगा कि फैमिली के साथ इसको आप देखें 22 अक्टूबर जो कि कल है और 5 तारीख को सूर्यवंशी थिएटर में जाके देखें. एंड ही शी मेड श्योर कि सब लोग खुश हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द केक एंड फूड कुकीज एवरीथिंग. सो संजना ने जो काम किया एक्टर के साथ एक्टर्स को खुश रखने का काम किया सो दैट सब हैप्पीली काम करते रहे. तो हमें पता नहीं चला कि जिस दिन किसी दिन 8 के 12 घंटे 14 घंटे भी हो गए, बाद में रियलाइज हुआ कि ये खाना खिलाते रहे ये टाइम का पता नहीं चला. सो बीइंग सो लॉन्ग इन द इंडस्ट्री क्या डिफरेंस पाया आपने इनके साथ काम करके? और सो लॉन्ग तो वैसे ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है कि बड़ा वेटरन एक्टर में हो गया. अभी भी यही फीलिंग आती है कि अभी भी कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है. ये टीम के साथ मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट लगा नहीं इन द सेंस क्योंकि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एक तो कोरोना के बाद ये पहला प्रोजेक्ट शूट किया था सो सेफ्टी वाइज दे वर प्रिपेयर्ड, स्क्रिप्ट वाइज दे वर प्रिपेयर्ड. तो हम लोग ने स्क्रिप्ट को एनहेंस ही किया है तो कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं कमी रह गई कुछ रह गया. तो हम लोग जब ऑन सेट आए तो स्क्रिप्ट को ऊपर ही ले गए और बहुत मज़ा है क्लोज्ड स्पेस में शूट करने का कम क्रू के साथ भी. और या मज़ा है, बहुत मज़ा. गरिमा के मैं पहली बार हम लोग ने फोटोशूट के दौरान ही मिला हूँ बिकॉज हमारा इंटरेक्शन सीरीज़ में था नहीं. क्योंकि इनके जितने भी सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लीमेंट तो दो. हाँ नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली मैंने जब इनका सीरीज मैंने बाद में देखी एडिटिंग के बाद तो आई सेड कि यार सिस्टर का कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया हुई शी एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो हर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो एंड अंजलि के साथ और जो सिस्टर दोनों लग रही थी सिस्टर्स तो कास्टिंग परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है. कॉमेडी दोनों जो है अभी आज के दौर में देखते हैं उस तरह से नहीं मतलब यू नो गेट हाइलाइटेड. खासकर वेब शो की बात करें तो पीपल वांट समथिंग डार्क समथिंग यू नो नेगेटिव टू सी उसके बारे में क्या कह सकते हैं? बेसिकली आई मीन इफ यू सी पीपल्स माइंडसेट वही है कि ज़्यादा डार्क होना चाहिए, कुछ नेगेटिव होना चाहिए, कुछ जो जो कुछ मालूम ना हो वैसा कुछ देखना चाहते हैं. नहीं वैसा है तो फिर डिस्कवरी लोग देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल है हमेशा. नहीं बट अगर आप देखें तो ऑडियंस हर तरह की ऑडियंस है. आज भी ऐसी भी ऑडियंस है जो मैं कभी कभार फ्रेंड्स जाके देखता हूँ रैंडमली कोई भी सीजन का कोई भी एपिसोड जस्ट अपना मूड चेंज करने के लिए. तो आई थिंक डार्क शो देखने से मूड चेंज में कभी नहीं होगा. कभी कभी लोग फिर भी जाके कॉमेडी या रोमांस देखेंगे अगर चेंज करना है. पर्सनली आई फील लाइक लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ और डिप्रेस्ड हो जाती हूँ. सो व्हेन आई विल ओनली वॉच लाइट. तो आई थिंक दैट डिपेंड्स कि मूड कैसा रहता है एंड ऑल. बट आई थिंक नाउडेज अ लॉट ऑफ लाइट शोज ऑल्सो आर डूइंग वेल.
मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं आइनॉक्स में जॉब करता था 2004-05 के आसपास, तो मैं बॉक्स ऑफिस में टिकट सेल करता था, तो ऑडियंस आती थी और यही पूछती थी पीछे पोस्टर देख के कि आप सजेस्ट कीजिए कौन सी फिल्म एंटरटेनिंग है, वी डोंट वांट टू वॉच समथिंग फनी, मतलब सीरियस नहीं देखना, हमको कुछ फनी देखना, तो प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग फनी। तो ऑडियंस एक बॉक्स ऑफिस में आप ये है तो देखती है, क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही है, सो आई थिंक मिक्स एंड मैच है, सीरियस सब्जेक्ट्स भी हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर भरे हुए हैं और एंटरटेनमेंट भी है, बट हाँ फनी स्पेस में बहुत कम प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लोगों को चाहिए फन बट दे डोंट अप्रिशिएट, जितना फनी या कॉमेडी को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट What is the main difference you find and you know? There is no difference. There is no difference because format alag alag hai. Is there something coming in the mind that I am shooting for a web show and a film appear medium? जब कैमरा जब एक्शन होता है तो आपको नहीं पता चलता कि आप टीवी शूट कर रहे हैं कि आप फिल्म शूट कर रहे हैं कि आप सीरीज शूट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर सीन है, उस एक्टर की लाइफ है, एंड दैट्स वॉट यू थिंक एंड दैट्स वॉट यू शुड थिंक एज एन एक्टर, बाकी वो फिल्म है या टीवी है, डजंट मैटर। आई थिंक द डिफरेंस इज देयर इन द टोन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि कुछ जैसे इस प्रोजेक्ट में टोन बहुत ही फन है, रिलैक्स्ड है, चिल्ड आउट है, तो वो जो माहौल होता है उसमें आई थिंक डिफरेंस है। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ मोर सीरियस फिल्म अबाउट अ गाय हु हैज़ वन ईयर टू लिव और समथिंग लाइक दैट, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी एटमोसफियर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, थोड़ा और सीरियस रहेगा, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो आई थिंक इट्स द डिफरेंस इन जो भी शो या फिल्म का टोन है वहाँ पे आई थिंक डिफरेंस रहता है इन द एक्सपीरियंस। हर कोई जो आता है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई आके बोलता है कि मुझे बॉम्बे आता है और कोई बोलता है मुझे मैं सिर्फ दो सीन करने के लिए आया हूँ या मैं साइड एक्टर बनने के लिए आया हूँ या मुझे जो मिलेगा मैं कर लूँगा या मैं थिएटर कर, वो झूठ बोल रहा है। एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम यू नो अ मेन लीडिंग कैरेक्टर, एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम लार्जर देन लाइफ, एवरी वन वॉन्ट्स टू डू फिल्म्स, बाकी सबकी जर्नी अलग है। बट अभी इंटरनेट हैज टेकन ओवर, डिजिटल हैज टेकन ओवर, तो आई फील लाइक वो सब आई थिंक थोड़ा बदल रहा है, दैट देयर इज नॉट जस्ट वन रूट, यू कैन डू सो मच, यू कैन मेक अ शो योरसेल्फ, यू नो बहुत सारे डिफरेंट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू शो योर टैलेंट एज एन एक्टर। आई थिंक काम करने के लिए बहुत काम है हर प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था नए नए आए थे तब यूट्यूब आया ही था, यूट्यूब को इतना उससे नहीं देखते थे, बट आज के डेट में आप देखो इतने सारे ब्लॉगर्स हैं जो जिनको फिल्मों में भी काम मिल रहा है ना? तो सब कुछ अब इंटरकनेक्टेड है। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए लोगों के लिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मेकर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, एवरीबडी, एंड द ऑडियंस इज सो वाइड एंड सो मच एक्सपोजर। पहले आई थिंक ऑप्शंस लिमिट हो जाते थे तो बहुत सारा टैलेंट अनसीन चला जाता था, बट आई थिंक विद OTT दैट डेवलपमेंट हैज बीन ग्रेट। मैम, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी मैन टू द वेब शो, व्हाट्स द अल्टीमेट गोल एज अ प्रोड्यूसर? Ultimate goal is, I think, from Suraj Asanj also, like I said, we want to keep... ultimate goal will always be films. No, I think our ultimate goal is to... I think film is correct. But the goal is to keep making content that people like. Yeah. And, you know, just keep churning out great stories that we want to tell. Because as a viewer, producer se pehle sab viewer hote hai. So I want to create content that I want to see myself. Jo mujhe bhi maza aaya dekhne mein aur banane mein bhi. फिल्म्स बनाएंगे, मेरे को हर बैनर के नीचे कुछ ना कुछ बनाना है, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, सब कुछ, बिकॉज आई थिंक कॉन्टेंट इज किंग जो सब बोलते हैं। सो एज लॉन्ग एज इट्स ग्रेट, चाहे फिल्म 1 hour 30 minutes की हो या 2 minutes की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड विद अमेजिंग एक्टर्स लाइक आई गॉट टू वर्क विद इन सूरज और सांच, आई थिंक द ऑडियंस आर गोना लव इट। सो अल्टीमेट गोल वही है कि इसके बाद बस चलते जाने, रुकना नहीं बस। बट एंड आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ फ्यू प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, सो यू ऑलरेडी गेट अ लॉट मोर टू सी, एंड सीजन 2 ऑल्सो होपफुली वेरी सून ऑफ सूरज और सांच, वो ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टेज में है। सो या आल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि सम डिजिटल स्पेस ऑफ इनकी बात करूँ, तो अगर मुझे कोई आके बोलता है कि सर सिंगिंग ब्लिंग अच्छी लगी, ये लगी, तो कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि आपकी शॉर्ट फिल्म भी अच्छी लगी जो यूट्यूब पे है, तो मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंसेस, विच इंक्लूड्स फिल्म्स, विच इंक्लूड्स शॉर्ट फिल्म्स विच इज़ देयर ऑन यूट्यूब एंड सीरीज। एंड लास्टली, व्हाट इज द रीजन ऑडियंस विल वॉच दिस शो, पर्टिकुलर रीजन बताइए। आई थिंक जिन लोगों ने 90s की हिंदी फिल्म गोविंदा जी की, डेविड धवन जी की स्पेस की फिल्में एंजॉय की, एंड उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बट ये एक बैकड्रॉप है।
मगर अब जब आप सीरीज़ देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें इमोशन भी है, इसमें ड्रामा भी है, फ़नी तो है, फ़नी तरीके से कुछ चीज़ बोलने जा रहे हैं, बट इस सीरीज़ में सब कुछ है। बट जब सीरीज देखेंगे आपको आई थिंक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत सीरीज़ में, तो जैसे ही देखेंगे उन सबको पता होगा, शायद उनका उनको सारे एपिसोड उनके फेवरेट ना, बट कोई ना कोई सीन उनके साथ रह जाएगा, अरे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, फैमिली फ्रेंडली भी है, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग इन द डिजिटल स्पेस समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट, क्योंकि सब के साथ मे बी शायद नहीं देख पाते हो आप, बिकॉज यू नो देर आर सम थिंग्स दैट मे बी फॉर चिल्ड्रन आर नॉट ओके, आर यू नो मे बी ग्रैंड पेरेंट्स मे नॉट लाइक, इन दिस केस आई थिंक एवरी वन विल एंजॉय इट, एंड इसमें कुछ कुछ है नहीं दैट यू नीड टू सेंसर और एनी थिंग, इट्स ऑल वेरी फैमिली फ्रेंडली एंड फन, एंड जितने भी रेफरेंसेज हैं बॉलीवुड फिल्म के वो रैंडमली नहीं आ रहे, वो एक सीन से दूसरे सीन को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे, वी मेड श्योर कि वो रैंडमली अचानक से ना है बल्कि उसका एक सेंस बने। वन रीजन टू वॉच सूरज और सांज, हिज फिल्मी परफॉर्मेंसेज एंड फिल्मी रेफरेंसेज, और इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया है, इट्स टू गुड, स्पेशली इफ यू आर अ फिल्म फैन आपको बहुत मजा आया, उन्होंने अपना खुद का बना लिया, ऐसे लगे नहीं किसी और की कॉपी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट वुड बी लाइक अरे अनिल सर ने ऐसे किया था ना, तो इट वुड बी दैट। अभी 29th को एक फिल्म रिलीज हो रही है Z5 पे, आफत इश्क, एंड देन 5th नवंबर को सूर्यवंशी। सूर्यवंशी दैट्स अ बिग थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू।